जुनेद भाई पी के बताएं कैसा है। साफ क्रिस्टल पानी है, कोई जायका नहीं है, इतना मजे का पानी कसम से जबरदस्त। ये देखें नहाने की जगह, यहाँ आप नहा सकते हैं। ये ऊपर से आबशार आ रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सब? उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो इस टाइम हम जा रहे हैं कहाँ से कहाँ की तरफ जी? हम क्वाड़तांडा डैम से जा रहे हैं बड़ की तरफ जा रहे हैं जी। तो ये आप तांडा डैम देख सकते हैं, ठीक है, और बड़ की तरफ पहुँचते ही हम आपसे वहाँ पे मिलते हैं और बहुत खूबसूरत जगह आपको व्यूज दिखाते हैं। ओके, टेक केयर। ओके, क्या जुनैद भाई प्यास लगी आपको यार? अरे को बुक उड़ा ले यार, कितना खट्टा कड़वा पानी है, नमकीन पानी है। क्वाड़तांडा डैम से हम आ रहे हैं और इस साइड पर चढ़ी और इस साइड पर बाढ़ है। क्वाड़तांडा डैम से तकरीबन 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के बाद हम जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये नाम किसी ऊपर पड़ा है ये जो इसका नाम है? ओए होए होए होए, यहाँ पे जो पत्थर है ना माशाल्लाह से, ये बड़े सिलसिली पत्थर हैं यार। इसकी जो खुशबू है ना पानी की, मतलब यहाँ की जो खुशबू है, सुभानअल्लाह, पत्थर इतने नुकीले हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, और हम भाई जान और हम आ गए उस जगह जिसका हमें इंतज़ार था। ये देखिए, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये पानी देखिए ऐसे टपक रहा है जैसे पहाड़ का पसीना हो भाई। सुभानअल्लाह, अल्लाह अकबर, खूबसूरती की इंतहा है इस जगह में भाई। ये भाई हमारे हाथ हो जुनैद साहब अपने सवर लेते हुए, बहुत ही प्यारी जगह यहाँ पर, ये नहाने की जगह और यहाँ पर आए हैं तो फ्रेश हो गए। यहाँ पर धूप भी नहीं पड़ती, इतनी ग्रीनरी है और हर जगह आपको चश्मे मिलेंगे। बेहतरीन जगह लाजमी जरा। ये बड़ का दरख्त है, इसकी वजह से इसका नाम जो है बड़ है इस गांव का, क्योंकि इधर बड़ के दरख्त ज़्यादा। आप देख सकते कितने पुराने, ये कई सौ साल पुराने दरख्त होते हैं, कई सौ साल। आप देख सकते हैं इनकी जड़ें वगैरह कितने दूर तक ही फैला होते था। जस्ट चेक दिस, और साथ ही चश्मे आप देखें, बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं। और धूप तो यहाँ जैसे पड़ती नहीं है, दरख्त इतने ज़्यादा घने। ये देख के तो मुझे पुराने ज़माने का वो टाइम याद आ गया भाई जान। ओहो हो, बड़े लकी लोग हैं आप लोग यार, शुक्र है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र गुजार हैं बहुत। चलता पानी भाई, देखो इसके उधर से कोई दरिया भी नहीं है, पहाड़ से निकलता है। हट हट जाए आगे से भाई जान, हट जाए आप, हट जाए। ये देखें कहाँ से निकल रहा है पानी। ओए होए 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 होए, जुनैद जी बस पकड़ी। माशाल्लाह कैसे पानी, बहुत प्यारा यार, साफ शफाफ और इंतहाई आपकी सेहत के मुताबिक, ठीक है। अंदर गार से निकल रहा है बिल्कुल फ्रेश पानी, बिल्कुल वहाँ से फ्रेश, वहाँ से गार से निकल रहा है ये पानी। सुभानअल्लाह, भाई कह रहे हैं घर में एक रोटी खाएंगे, यहाँ पर आप चार रोटियाँ खाएंगे ये पानी पी के, हाजमे वाला पानी। अच्छा, आ जाए भाई।
बिस्मिल्लाह मुबशर पुत्र मुबशर मुबशर पुत्र कैसा लगा ट्रिप, कैसा रहा आपका ट्रिप? कैसा आ गई भाई धुंधा कर दूं नारान से आने के बाद पता चला कि वाकई यार क्वाट में ब्यूटी सिर्फ नॉर्थ में नहीं है, ब्यूटी यहाँ पर भी है क्वाट में। ये जी एक और व्यू पॉइंट है, ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ खड़ियों के साथ ही जाते हैं यार। वो बशर पत्थर जोश में आ गया मेरा। पानी देखो साफ कितना है, इसमें पैसा फेंक तो दिखता है। वो बशर पत्थर मैं शूज पाए। अच्छा अच्छा, फिर ऊपर जाओ जो यहाँ से पानी आता है ना वो सामने जगह है। चल यहाँ पे शाम शाम तो नहीं होते? नहीं नहीं, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, देखो पानी देखे कितना साफ, देखो तो सही ना यार पानी वाली जगह देख यार। हाँ वीडियो कहाँ कहाँ जाती है? हमारी वीडियो बहन जाती है थोड़े अमेरिका, हाँ हाँ कनाडा, कनाडा और जापान, जापान चाइना रशिया ब्राजील साउथ कोरिया कनाडा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे समझ रहे इस बंदे लौंडी की बातें। गांव का सादा बंदा, उसे क्या पता। वो गांव का सादा बंदे यार, ये जो यार अड़े सादा सड़े खा। बाबू जी कहते यार डेर सादा सड़े यार। अभी देखिए बाघ, बाघ देखिए बाघ, ये चश्मे इन्होंने बाघ की तरफ मोड़े हुए हैं। ये देखिए क्या सिस्टम इन्होंने किए हुए यार, इन्होंने अपने बाघ के लिए सिस्टम किया हुआ ये चश्मे का, और उधर से एक और उधर से भी किया हुआ है। देखें अरुण भाई आप जन्नत में रहते हैं यार, साफ पानी है खेत। और बात इधर है, ये अभी यहाँ पे मुझे चोट लगी थी पीछे करके, ठीक है, और पानी में हाथ धो धो के पानी पी पी के ठीक हो गई। देखें बाबा जी की करामात है, बाबा मुनीब मलिक। मेरा मुबशर पुत्र जो है ना वली भी है। ये देखें भाई क्वाटों की, क्वाट की खूबसूरती। ये देखिए कैसे बाघ के अंदर इन्होंने अब चश्मे का सेटिंग इन्होंने की हुई, हर किसी ने अपने। केलों के बाग, चेक दिस, क्या लश ग्रीन है, और सनलाइट तो आपको नजर ही नहीं आएगी, बहुत ही मुश्किल। केलों के बाग, केलों के बाग। मुबशर पत्थर इधर देख, मेरे पास जेब में, जेब में। ये जैसे गरीब के बाद 600 इकट्ठे होते हैं तो प्लाट देखने निकल जाते हैं। तब ये पूछ रहे हैं जैसे पूरे क्वार्ट में केला ना हो। कैसा केला? देखें भाई कैसा केला, वो सामने नजर नहीं आ रहा, वो वहाँ पर है केला। केला इसका वहाँ पर हमारा एक एक केला एक आदमी नहीं खा सकता जब बड़ा हो जाएगा। ओए होए, ये मुबशर पुत्र खाने पीने की चीजें लेके आए, और फिर यहाँ पे शॉवर ले नहाए। लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए यहाँ पे कुदरती एहतमाम है, ठीक है, कुदरती और बहुत ही खूबसूरत खामोश तरीन। ये देखें बाघ देखे जी। जुनेद भाई फिट लगी आपको? हार्ट में सबसे प्यारी जगह है, और ये चैलेंज के साथ में बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ। बढ़ के लोग इंतहाई बेहतरीन, बहुत बेहतरीन लोग हैं। ये हमारे साथ लोकल है, खुद ही हमारे साथ आए और हमें ये दिखा रहे हैं। अरुण भाई अपना टाइम निकाल के बहुत शुक्रिया यार, अपने जो हमारी इतनी हेल्प की है। बहुत अमन वाली जगह है, किसी किस्म की टेंशन और किसी किस्म का कोई डर खतरा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ज्यादातर हिंद को स्पीकर है यहाँ की। हाँ यहाँ पे मोस्टली बंगश और मलिक। ये यहाँ पर लगता है जंगली अंजीर इसको कहते हैं, ये खाने के लिए। ओए ओए ये तो अंजीर है भाई, और देखे यार खूबसूरती चक्कर। लेकिन इसको लोग खाते नहीं है क्योंकि अक्सर इसमें कीड़े वगैरह होते हैं, ये इसके अंदर कीड़े वगैरह होते हैं, जंगली है ना, इस पे स्प्रे वगैरह उस तरह केयर नहीं की जाती इसके लिए। और ये रास्ता देखें लाला, आम का क्या थी ना, आम शाम तो नहीं होता ना यहाँ पे हरुण भाई? हाँ आम तो नहीं होता ना यहाँ पे, आम के दरख्त हैं लेकिन कम है। अच्छा ये इसमें जो हमारे बड़े थे ना
इसमें नमाज पढ़ते थे इस पत्थर पर। ओहो हो, बड़े जो हमारे जो चले जाए अब इस दुनिया में बशर पत्थर भाग गया लेकिन चलेंगे फिर भी चले। ये कबाब तैयार होके आ गए स्पीड को जिससे एडिटिंग में जैसे।